नमस्कार दर्शकों, द न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। और इस वक्त की जो खबर आ रही है वो आ रही है उत्तर प्रदेश से। प्रयागराज में बेखौफ बदमाशों द्वारा जिला पंचायत सदस्य राजकुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई और उन पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में हालांकि राजकुमार तो बच गए हैं, लेकिन उनका प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। जिला पंचायत सदस्य पर चलती कार में उस वक्त फायरिंग की गई जब किसी से मिलने जा रहे थे, बीच रोड में थे और इसी वक्त फिल्मी अंदाज में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। हमलावर इस कदर बेखौफ थे कि पैदल ही सड़क पर भागते हुए कार पर फायरिंग करते रहे और आराम से टहलते हुए चले गए। सीसीटीवी फुटेज में इसको देखा जा सकता है। लेकिन एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर किस तरह से बदमाश बेखौफ हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की घटना लगातार इसी तरह से सामने आ रही है और अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई कर रही है। हालांकि हिरासत में अभी तक किसी को नहीं लिया गया था।